गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर सिक्सटी एजुकेशन हब। दिस इज सुपर सिक्सटी प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जो भी बच्चे सीजीएल का या आगे सीएचएसएल का पेपर देने चाह रहे हो, जो सीजीएल का दे रहे हो, उन बच्चों के लिए निश्चित ही बहुत एडवांटेजेस होने जा रहा है। जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं वो रेगुलर इन प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करें। जो भी बच्चे पेपर दे चुके हैं वो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें उनके एग्जाम्स में मिल रही हैं जो मैं करा रहा हूं, तो इसका भी आप फायदा ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ये पहला प्रश्न है आपका, कॉमन एरर क्वेश्चन नंबर 1। रीजनल एनेस्थेसिया ब्लॉक्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। ट्रांसमिशन समझते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, जो हमारी संवेदनाएं होती हैं, नर्व इंपल्सेस होते हैं, अमंग अ टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या गलत हो सकता है यार? रीजनल एनेस्थेसिया ब्लॉक्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस अमंग अ टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिन बच्चों ने भी रियल हार्ड वर्क किया वो बच्चे जरूर यहां समझ जाए, और जो बच्चे अभी लेवल पे नहीं हो वो धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें। आप जल्दबाजी ना करें, आप जो कुछ भी धीरे धीरे सीख रहे हो उसे और बेहतर करने की कोशिश करें। जो बच्चे कहते हैं कि थोड़ा सा टफ हो रहा है, वो बच्चे ये समझें कि इसी लेवल पे ही आपको पेपर दिया जाएगा, तो आप एग्जाम्स में ये कह करके काम नहीं चला सकते हैं कि पेपर टफ है, उसे आपको फेस करना ही होगा। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि पेपर टफ हो रहा है, मैं आप खुद से कहें कि आपको और अधिक कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। यू नीड हार्ड वर्क, और अधिक कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। चलिए देखें फिर से, रीजनल एनेस्थेसिया ब्लॉक्स ट्रांसमिशन, यानी जो रीजनल एनेस्थेसिया समझते हैं बेहोश करने के लिए, तो रीजनल एनेस्थेसिया ब्लॉक्स ट्रांसमिशन, यानी वो ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है। किस चीज के ट्रांसमिशन को? ऑफ नर्व इंपल्सेस, जो हमारी संवेदनाएं होती या जो भी नर्व इंपल्सेस होती, नाड़ियों से प्रवाहित चीजें होती हैं। तो ऑफ नर्व इंपल्सेस अमंग अ टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी, नर्व इंपल्सेस को कहां पर प्रवाहित होने से रोक देती हैं, वो ब्लॉक कर देती हैं? अमंग अ टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जिस बॉडी को, जिस पार्ट ऑफ द बॉडी को टारगेट किया जा रहा हो एनेस्थेटिक करने के लिए, वो पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो हमारा मुख्य तंत्रिका तंत्र है उसको, यानी जो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी है उसके बीच ये नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिशन होने से क्या कर देती है? रोक देती है। कौन रोक देती है? रीजनल एनेस्थेसिया, जो आपके अंदर एनेस्थेसिया है वो रोक देती है। ठीक है, क्या गलत है? बहुत इजी है। अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आप से कहिए कि मेहनत करने की आवश्यकता है, और अगर आप कर ले रहे हैं तो आपका हर हाल में लेवल आपका बेहतर है। जो आप देख रहे होंगे यहां पे अमंग नहीं हो सकता है, यहां पे क्या होगा? बिटवीन होगा। क्यों बिटवीन होगा? सबसे बड़ा क्लू था ये एंड, जो बिटवीन के साथ एंड होता है अमंग के साथ एंड नहीं होता है, तो ये क्लू था। दूसरा, अगर आप प्रीपोजिशंस आपको याद हो तो आप देखें, अ टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी एक पार्ट हो गया, और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दूसरा पार्ट। दो ही पार्ट्स अगर हैं तो दो पार्ट्स के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, न कि अमंग का प्रयोग करते हैं। अमंग का प्रयोग वहां करते हैं जहां कम से कम तीन या तीन से अधिक लोग हों, वहां पे अमंग का प्रयोग करते हैं। तो यहां अमंग नहीं, बिटवीन हो जाए। तो रीजनल एनेस्थेसिया ब्लॉक्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, इन्हें ब्लॉक कर देती है वो नर्व इंपल्सेस के ट्रांसमिशन को, बिटवीन अ टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उस टारगेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच
नर्व इंपल्सेस के ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है. कौन ब्लॉक कर देती है? रीजनल एनेस्थेसिया. ओके, यानी यहां अमंग नहीं बिटवीन हो जाएगा. ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है आपका. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. मेनी फर्म्स फेल बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग they have not researched the target markets or have not planned enough. देखें अच्छे से और बोले कहां पे एरर है, कौन सा पोर्शन एरर वाला है. If you have prepared prepositions, subject verb agreement, nouns, conjunctions, you will surely take advantage in this kind of practice set. अगर आप सीजीएल में बेहतर करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मेहनत करें, प्रीपोजिशंस पे मेहनत करें, नाउन से संबंधित रोज पर मेहनत करें, कंजंक्शंस पे खास मेहनत करें. तो बाकी चीजों पे कम भी करेंगे तो चल जाएगा. आपको ज्यादातर कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह मिल जाएंगे. आप देख रहे हैं कहां गलत है. मेनी फर्म्स फेल, कई सारी फर्म्स फेल हो जाते हैं बिकॉज, क्योंकि व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग, जब वो बिगिन करते, सही है. When they begin, यहां भी सही था. Many firms fail, सही है. When they begin trans exporting, जब वो export करना शुरू करते हैं तो they, सही है. Many firms है तो they होगा. They have not research, they have not research. ये research यहां noun के रूप में नहीं है, research यहां पे verb के रूप में है और ये verb have के साथ. तो अगर आप जैसे ही परफेक्ट की बात करते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं. तो दे हैव नॉट रिसर्च नहीं होगा, दे हैव नॉट रिसर्च्ड हो जाएगा. द टारगेट मार्केट्स आर हैव नॉट प्लान्ड एनफ, यानी उन्होंने टारगेट मार्केट्स जो है उन पर रिसर्च नहीं किया हो. आर हैव नॉट प्लान्ड एनफ, या फिर उन्होंने अच्छे से योजना नहीं बनाई हो, इसीलिए बहुत सारी फर्म्स क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती. यहां हैव के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका. आफ्टर थारो एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, नीदर ऑफ द टू डॉक्टर्स इज होपफुल ऑफ हिज सर्वाइवल. आफ्टर थारो एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, यानी उस रोगी के संपूर्ण परीक्षण के बाद, Neither of the two doctors, उन दोनों डॉक्टर्स में एक भी जो है इज होपफुल, उन्हें आशा नहीं है ऑफ हिज सर्वाइवल, कि वो जो पेशेंट है वो सर्वाइवल कर पाएगा, मीन्स वो जीवित बच पाएगा, इस स्थिति से निपट पाएगा. क्या गलत है, क्या गलत है? मुझे एक चीज आपसे पूछना था कि क्या मैं इस तरीके की चीजें भी बीच बीच में ले आऊं, जैसे आपके सीजल के एग्जाम्स चल रहे हैं, आगे स्टेचुशल है, तो कॉमन एरर का विशेष सेक्शन ले आऊं मैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का विशेष सेक्शन, फिलर सेंटेंस फिलर्स का विशेष सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन के विशेष सेक्शन, अलग अलग से नहीं ले आऊं, ताकि इकट्ठा ये पोर्शन आपको प्रिपेयर में करा सकूं. बताइएगा जरूर कमेंट्स के द्वारा, बताइएगा क्या ये सही रहेगा. चलिए यहां बोले आप, आफ्टर थारो एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, क्या गलत है यहां पे? आफ्टर थारो एग्जामिनेशन, क्या यहां थारोली होना चाहिए था? क्या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था यदि इसके बाद कोई एडजेक्टिव होता तो. एग्जामिनेशन क्या है? नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव, सही है. तो आफ्टर थारो एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, सही है, पेशेंट के संपूर्ण परीक्षण के बाद. नीदर ऑफ द टू डॉक्टर्स, ये जो आपका सेक्शन है इसमें बहुत बार एग्जाम्स में आपको एरर दिया जाता है. नीदर ऑफ, ये वही लगाते हैं जहां पे दो लोग हो और नेगेटिव हो, तो है टू डॉक्टर्स तो सही है. नीदर ऑफ के बाद अगर द नहीं दिया जाता तो भी गलत होता, चाहे वो नीदर ऑफ हो, चाहे इधर ऑफ हो, चाहे एवरीवन ऑफ हो, चाहे ईच ऑफ हो, चाहे वन ऑफ हो, इनके बाद अगर आप नाउन लेते हैं तो उसके पहले क्या लें आप, उसके पहले द का प्रयोग करें, आर्टिकल का प्रयोग करें. तो नीदर ऑफ द टू डॉक्टर्स सही है, यानी नीदर भी गलत दे सकता था, यदि यहां नन लिखता तो गलत होता, क्योंकि यहां दो ही डॉक्टर हैं तो नन नहीं हो सकता था. यहां द हटा करके गलत कर सकता था, यहां नीदर ऑफ द टू डॉक्टर्स है यानी सही है,
इज, यहां भी गलत दे सकता था। जब नेदर ऑफ, इधर ऑफ, वन ऑफ वगैरह का प्रयोग करते हैं तो आपके वर्ब ट्रेडिशनली सिंगुलर होते हैं। तो नेदर ऑफ द टू डॉक्टर्स इज सही है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहां डॉक्टर रख करके भी आपको गलत दिया जा सकता है, क्योंकि इधर ऑफ, नेदर ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आ सकता है। तो नेदर ऑफ द टू डॉक्टर्स इज सही है, होपफुल सही है, आशावान नहीं है वो, ऑफ हिज सर्वाइवल, ये हिज किसके लिए है, उस पेशेंट के लिए है, तो सही है, और सर्वाइवल सही है, नाउन है, सर्वाइव प्लस एल नाउन बन गया आपका, यानी इस वाक्य में वास्तव में आपकी कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा। बहुत कम सेंटेंसेस मैंने दिए होंगे जहां नो एरर, बस मैं आपको ये बताना चाहता था, बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम्स में जहां नो एरर होता है और बच्चे जबरदस्ती एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसा ना करें, एक एक पार्ट जाने कहां पे गलतियां हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नोट करते जाएगा कौन सा सही कौन सा गलत है। द रिवार्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट द वर्क डन बाय अस, ये सेंटेंस फिलर का चौथा प्रश्न है। The reward was not commensurate. Commensurate means proportionate, समान का, यानी अनुपातिक रूप में। The reward was not commensurate dash the work done by us. देखिए ऐसे पढ़िए आप, the work done by us, यानी हमारे द्वारा किए गए जो कार्य है उसके अनुपात में वो रिवार्ड नहीं, अर्थात जितना हमने कार्य किया उसके हिसाब से हमें रिवार्ड नहीं दिया गया। तो क्या हुआ, commensurate for the work होगा, कमेंसुरेट ऑन द वर्क होगा, कमेंसुरेट विद द वर्क होगा, या कमेंसुरेट अपॉन द वर्क, क्या सही। आप में से ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कमेंसुरेट फार लेना चाहेंगे या कमेंसुरेट विद लेना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा कमेंसुरेट ऑन या कमेंसुरेट अपॉन का यहां पर प्रयोग करना चाहे। आप ध्यान से देखें, आप सही कर रहे हैं, लेकिन कमेंसुरेट फार नहीं लीजिए, कमेंसुरेट के साथ जो प्रीपोजिशन आप प्रयोग करते हैं वो विद होता है। जैसे आपको याद होगा ना, अबाइड के साथ नॉर्मली कानून वगैरह नियम पालन करने के सेंस में हम बाई का प्रयोग करते हैं, कंप्लाई के साथ हम विद का प्रयोग करते हैं, एडहियर के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, करते हैं ना, होल्ड के साथ भी हम टू का प्रयोग करते हैं, उसी तरह कमेंसुरेट के साथ हम फॉर नहीं विद का प्रयोग करते हैं। तो द रिवार्ड वॉज नॉट कमेंसुरेट विद द वर्क डन बाई अस, यानी यहां पे प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस फिलर है, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, डैश द एक्सपेंस खर्चे के, आई वॉन्ट द पार्टी टू बी अ रियल सक्सेस, मैं बस ये चाहता हूं कि जो पार्टी है वो वास्तव में बहुत सफल हो जाए, अच्छी तरह से बीत जाए, मुझे खर्चे की कोई परवाह नहीं, क्या लगाना चाहे। आई डोंट केयर ऑफ द एक्सपेंस, आई डोंट केयर विद द एक्सपेंस, आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंस, या आई डोंट केयर फॉर द एक्सपेंस, केयर फॉर द एक्सपेंस, क्या लगाना चाहे। रियल टेस्ट है आपकी ग्रामर के नाम से, क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो चूज करें जो बेस्ट हो। समझ में आ रहा है, आप में से ज्यादातर बच्चे जैसा कि मुझे लग रहा है वो केयर फार करना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं केयर ऑफ करना चाह रहे हैं, कुछ एक बच्चे केयर अबाउट या केयर विद करना चाह रहे हैं। बट मैं चाहूंगा मैं आप समझा दूं आपको कहां पे क्या लगा, केयर ऑफ नहीं हो सकता, केयर ऑफ तब होता जब केयर के पहले टेक लगा होता, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ होता है किसी का ध्यान रखना, ठीक है, जैसे टेक केयर ऑफ योर डॉग्स, यानी कुत्तों का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर ब्रदर, अपने भाई का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर फादर एंड मदर, अपनी माता पिता का ध्यान रखना, यहां टेक केयर ऑफ होता है, यहां टेक तो है नहीं आपका, इसलिए केयर ऑफ ना सोचें, केयर विद नहीं होता है, नॉर्मली आप किसी सेंस में केयर विद का प्रयोग नहीं करते हैं, केयर अबाउट कहां प्रयोग करते हैं और केयर फॉर कहां प्रयोग करते हैं। हम सबसे पहले केयर फार पे बात कर लेते हैं, जो आपको लगता होगा कि यहां पर सही है। केयर फार का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर किसी की फीलिंग्स की आप बात करते हैं, जैसे आई केयर फॉर द फीलिंग्स ऑफ माई ब्रदर, मैं अपने भाई की भावनाओं की परवाह करता हूं, आई केयर फॉर माई ब्रदर,
मैं अपने भाई की परवाह करता हूं। जहां पे आप किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति स्नेह का प्रदर्शन कर रहे हो, वहां पे आप केयर फार का प्रयोग करें। लेकिन जब आप किसी पैसे वगैरह किसी चीज के ध्यान रखने की बात कर रहे हो, जैसे पैसे वगैरह के खर्च होने की बात कर रहे हैं, तो वहां केयर अबाउट का प्रयोग करते हैं। और टेक केयर आप तो है, टेक तो है नहीं, आप होगा नहीं, तो आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंस, यानी मुझे एक्सपेंस को लेकर के, यानी एक्सपेंस के बारे में मुझे कोई भी चिंता नहीं। दिस इज आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंस। आफ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टेक नहीं है, फार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम फीलिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं और केयर विद होता नहीं है। तो आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंस, आई वॉन्ट द पार्टी टू बी अ रियल सक्सेस। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप ही मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करते रहिएगा, अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर करते रहे, बताते रहे, जहां पे आपको लगे कि आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, वहां पे जरूर अपने कमेंट करते रहे। इससे आपके टीचर का एनकरेजमेंट होता है, कहीं कहीं वो बूस्ट होता है, यहां बच्चे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वह उन बच्चों के लिए और बेहतर करने की कोशिश है। ठीक है, सोचेगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम है क्वेश्चन नंबर 6, क्रेसेंडो। क्रेसेंडो क्या होता है? सिनोनिम के रूप में डोमिनेट होता है, एस्केलेशन होता है, स्क्वांडर होता है, या रेवर होता है। क्या होता है? अब ये कब कर पाएंगे आप? जब आप पहले क्रेसेंडो की क्या जानेंगे, आप मीनिंग जानेंगे, क्रेसेंडो किसको कहते हैं। तो क्रेसेंडो किसको कहते हैं, कितने बच्चे जानते हैं, जल्दी से बताएं क्रेसेंडो किसको कहते हैं। आपने बहुत सारे प्रकार के म्यूजिक आपने सुने होंगे, धीरे धीरे शुरू होता है, फिर धीरे धीरे उसका साउंड क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वो म्यूजिक जो एस्केलेट कर रही हो, अर्थात उसकी जो तीव्रता, जो ध्वनि है वो बढ़ती जा रही हो, वो क्रेसेंडो होता है। तो क्रेसेंडो फिर डोमिनेट नहीं होगा। जब आप किसी के ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना बल प्रदर्शित करते हैं, अपनी दबंगई प्रदर्शित करते हैं, उसे सबड्यू करना चाहते हैं, तो आप डोमिनेट करते हैं। एस्केलेशन क्या होता है? एस्केलेट करना। अक्सर आपने सुना होगा दो देशों के बीच में जो तनाव है वो एस्केलेट कर रहा है, मींस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड द रियल आंसर ऑफ क्रेसेंडो, यानी क्रेसेंडो का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एस्केलेशन। स्क्वांडर आपने पढ़ा है, इफ यू आर स्पेंडिंग योर मनी विदाउट एनी केयर, यानी आप स्पेंड थ्रिफ्ट हो रहे हैं, आप एक्स्ट्रावेगेंट हो रहे हैं, आप लैविश हो रहे हैं, आप प्रोडिगल हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्क्वांडर कर रहे हैं, मीन्स बिना सोचे समझे अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। टाइम भी अगर आप बेवजह व्यतीत कर रहे हैं तो आप स्क्वांडर करते हैं। आप रेवर क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति आप बहुत अधिक सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं, बहुत अधिक आदर प्रदर्शित करना चाहते हैं, यानी वन हु हैज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, तो वो रेवर करता है। तो रेवर में सम्मान प्रदर्शित करना, आदर प्रदर्शित करना, यानी क्रेसेंडो का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एस्केलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपको एसोटेरिक, बढ़िया वर्ड है, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसको दिया जाता है। तो एसोटेरिक का सिनोनिम क्या होगा? बी फिटिंग होगा, मीन्स करारा, सटीक, उपयुक्त। एक्सट्रूस होगा, मीन्स गूढ़, जिसे समझना मुश्किल हो, दैट विच इज नॉट इजी टू बी अंडरस्टूड, जिसे समझना मुश्किल हो। जर्मेन, जो चीज पर्टिनेंट हो, लॉजिकल हो, यानी सुसंगत हो। रिलेवेंट, जो चीज तार्किक हो, सुसंगत हो, क्या हो सकता है। अब अगर कॉमन सेंस लेंगे आप तो जर्मेन और रिलेवेंट तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों की मीनिंग्स करीब करीब एक ही, इन्हीं में से कोई होगा। यह हम कब जान पाएंगे, जब हम एसोटेरिक की मीनिंग जानें। एसोटेरिक क्या होता है? कोई टेढ़ी चीज जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है, वो एसोटेरिक होता है, कठिन, गूढ़। तो क्या होता है? एब्स्ट्रूस होता है। एब्स्ट्रूस मीन्स बी दैट विच इज नॉट इजी टू बी अंडरस्टूड, यानी वो चीज जिसे समझना मुश्किल होता है वो एब्स्ट्रूस होता है। तो एसोटेरिक का सिनोनिम एब्स्ट्रूस हो जाएगा। बी फिटिंग, करारा, सटीक, उपयुक्त। जैसे आप किसी को बी फिटिंग रिप्लाई देते हैं, मीन्स आप उसे करारा जवाब देते हैं, उसे आप सटीक जवाब देते हैं, और आपको देना भी चाहिए आजकल लोगों को। चलिए एंटोनिम्स के सेक्शन पे आ गए हम लोग। स्कर्लिश, स्कर्लिश का एंटोनिम क्या,
क्या चीज ऐसा है जो इसमें है? स्टरलेस का एंटोनिम कोर्स होगा, कोर्स मीन्स घटिया, खराब। कोई कपड़ा अगर बहुत भद्दा है, खराब है, तो उसका जो कपड़ा है वो कोर्स है। सोफिस्टिकेटेड होगा, सोफिस्टिकेटेड मीन्स शालीन। जब आपकी भाषा, आपकी शैली सोफिस्टिकेटेड होती है मीन्स सभ्य होती है, शालीन होती है मीन्स रिफाइंड होती है, परिष्कृत होती है। इंसोलेंट होगा, इंसोलेंट मीन्स धृष्ट, बदतमीज। जो आदमी इम्पर्टिनेंट होता है मीन्स अच्छा नहीं होता है, गलत तरीके से जवाब वगैरह देता है, वो इंसोलेंट होता है मीन्स धृष्ट, बदतमीज जिसको आप कहते हैं। अब अगर आप किसी को बदतमीज कहना होगा तो क्या कहिएगा? इंसोलेंट कहेंगे, मीन्स बदतमीज कहेंगे, उसे बुरा भी नहीं लगेगा और आप मकसद पूरा कर लेंगे आप। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कोई ऐसी चीज जिसमें आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कोई एक्शन है किसी का, कोई कार्य है, वो कार्य बहुत प्रशंसनीय है, तो उसका एक्शन कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन, यानी प्रशंसनीय कार्य। अब फिर भी दिक्कत है, क्या हम इस करलेस का अभी भी हम खोज पाए? अगर हम इस करलेस के मीनिंग जानते तो हम खोज चुके होंगे। इस करलेस मीन्स होता है जब आप कोई लेख वगैरह लिख रहे हो, कोई मैगजीन वगैरह हो, उस मैगजीन की जो भाषा है वो बहुत अश्लील है, गंदी है, पाठकों को, रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भाषा यूज की जा रही है, तो वो स्कर्लस है, मेंस अश्लील, गंदा। तो अगर स्कर्लस में अश्लील या गंदा होता है तो सोफिस्टिकेटेड में शालीन सभ्य होता है, यानी स्कर्लस का एंटोनिम हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। एंटोनिम प्रश्न नंबर 9, कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का एंटोनिम क्या होगा? इन्फ्लुएंस होगा, ज्यादातर बच्चे सोचेंगे ऐसा। सेपरेशन होगा, अलगाव। इन्फ्लुएंस समझते हैं वो, प्रभाव। जब आप किसी पर अपना इंप्रेशन जमाते हैं वो आपका इन्फ्लुएंस कहलाता है। अमेलगमेशन क्या होता है? मिलाने की क्रिया। अगर दो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें मिला करके एक किया गया तो उन्हें अमेलगमेट कर दिया गया, उसी अमेलगमेट वर्ब को नाउन बनाया गया ATION के द्वारा, अमेलगमेशन मीन्स मिश्रण। और शार्प तो आपका दिमाग है, शार्प में तेज, तो बहुत चीज नुकीली हो, तेज हो, वो शार्प है। अब प्रश्न है कॉन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है? याद आया कॉन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है? कॉन्फ्लुएंस मीन्स होता है दो या दो से अधिक चीजों को मिलाने की क्रिया, मीन्स संगम जिसको कहते हैं आप ना, यही कॉन्फ्लुएंस है आपका। तो मिलाने की क्रिया, अगर कॉन्फ्लुएंस मीन्स मिलाने की क्रिया है तो सेपरेशन अलग करने की क्रिया होती है, सेपरेशन, सेपरेट कर देना, अलग कर देना, तो कॉन्फ्लुएंस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेपरेशन। इन्फ्लुएंस प्रभाव को कहते हैं, अमेलगमेशन मिलाने की क्रिया होती है, इसका सिनोनिम हो जाएगा, और शार्प तेज, आपका दिमाग शार्प होता है, तेज होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, एन ओल्ड फ्लेम क्या है? अ वुमन विद होम वन हैज हैड इमोशनल रिलेशन, कोई स्त्री, कोई औरत जिसके साथ आपके बहुत भावनात्मक रिश्ते रहे हैं। अ वुमन हैविंग नो इंटरेस्ट इन द फैमिली एक्टिविटीज, एक औरत जिसका पारिवारिक एक्टिविटीज में, पारिवारिक कार्यों में कोई इंटरेस्ट ना हो। एन ओल्ड वुमन विद स्टाउट बॉडी, एक विधा औरत विद स्टाउट बॉडी मीन्स मजबूत कद काठी वाली महिला, या अ चार्मिंग लेडी, एक सुंदर आकर्षक महिला को एन ओल्ड फ्लेम कहते हैं। क्या इंपॉर्टेंट एरियम है आपका, याद आ रहा है बच्चों को? कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन लहरों से डर कर नौका पार नहीं। ये चीजें डरने के लिए नहीं, आपके सीखने के लिए, आज नहीं तो कल हर हाल में आएगा। जो बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं वो बच्चे सफल नहीं हो सकते हैं। जो बच्चे हर एक चीज से एनर्जाइज होने की, बूस्ट होने की कोशिश करते हैं कि आज नहीं तो कल मैं इसे साल करके दिखाऊंगा, वो बच्चे कभी नहीं हार सकते। तो आप मेरे बच्चे हैं, आप ऐसे ही बने, आप कभी भी फ्रस्ट्रेट ना हो, हमेशा एंथुसियाज्म से, क्यूरियोसिटी से भरे रहें कि वी कैन, वी विल, हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएं। और ये सब कुछ कैसे होगा? ईमानदारी पूर्वक की गई परिश्रम के साथ, यानी अगर आप ईमानदारी से परिश्रम करते हैं निश्चित ही आप सफल होंगे। लेम एक्सक्यूजेस ना बनाएं कि ये हो गया वो हो, ठीक है? दिल से, मन से मेहनत करें। शिकायतें करने से बेहतर है खुद में इंप्रूवमेंट ले आएं और अधिक मेहनत करके अपने टीचर को, अपने सर को हमेशा खुश करने की कोशिश करें।
ठीक है, चलिए देखते हैं। एन ओल्ड फ्लेम, फ्लेम समझते होंगे लौ, ज्वाला। तो कभी कोई ऐसा जो आपके दिल में बसा रहा हो, जिसके साथ आपकी इमोशनल फीलिंग जुड़ी रही हो, जो एक लौ की तरह काम करता रहा हो, वो एन ओल्ड फ्लेम होता है। यानी एक ऐसी स्त्री जिसके साथ आपके इमोशनल रिलेशंस रहे हो, ध्यान रखिएगा इमोशनल रिलेशंस रहे हो, जिससे आपने फील किया हो, वो आपके लिए क्या है, एन ओल्ड फ्लेम है, जो अब आपकी जिंदगी में ना हो, लेकिन उसके साथ आपकी फीलिंग्स जो है वो कंबाइंड हो, जुड़ी हुई हो। तो एन ओल्ड फ्लेम का हो जाएगा अ वुमन विद होम वन हैज हैड इमोशनल रिलेशन। ये हैज आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की है और हैड की थर्ड फॉर्म हैड है, यानी जिसके साथ आप रख चुके हो ऐसा रिश्ता। कैसा रिश्ता? इमोशनल, भावनात्मक रिश्ता। टू हिट द बुल्स आई, टू हिट द बुल्स आई, यानी जो सांड है, बैल है, उसकी आंख में हिट कर देना, मार देना। क्या होगा इसका? टू फाइंड द एग्जैक्ट ट्रुथ या टू अट्रैक्ट अ बुल्स अटेंशन, आ बैल मुझे मार। टू यूज अ रेड फ्लैग या फिर उसे रेड फ्लैग दिखाना, आ आ मार, उससे आप भड़काना चाहते हो। या टू ब्लाइंड अ बुल या उसकी आंख में तीर मार देना और उसको अंधा कर देना, क्या होगा? टू हिट द बुल्स आई, टू हिट द बुल्स आई, इस हिसाब से तो यहां पर जाना चाहिए ना, टू ब्लाइंड अ बुल, उसे मार करके अंधा कर देना। होगा क्या ऐसा? नहीं होगा। टू हिट द बुल्स आई मीन्स एक्सेप्ट ट्रुथ को समझा, यानी किसी सही बिंदु तक पहुंचा। जैसे आपका डिस्कशन चल रहा हो और उसमें कई सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो और उस डिबेट में यू आर एबल टू हिट द बुल्स आई, इट मीन्स यू आर एबल टू रीच द एग्जैक्ट ट्रुथ, यानी आप जो वास्तविक सच्चाई है, बिंदु है, वहां तक पहुंचने में आप समर्थ हैं। तो यू आर हिटिंग द बुल्स आई, यानी टू हिट द बुल्स आई मीन्स टू फाइंड द एग्जैक्ट ट्रुथ। ये हो जाए सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे हम लोग आ गए। माई फ्रेंड लेमेंटेड दैट दो अ कंप्लीट रिपोर्ट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट, और मंथ है, मेरा मित्र, मेरे मित्र को इस चीज का दुख था, इस चीज का विलाप कर रहा था वो, कि यद्यपि कंप्लीट रिपोर्ट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट अ मंथ है, एक महीने पहले ही डिपार्टमेंट को पूरी रिपोर्ट क्या कर दी गई थी, भेज दी गई थी, लेकिन नो एक्शन इज बीइंग टेकन सो फार। ये सो फार चीख चीख के कुछ कह रहा है कि आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है। जितनी बढ़िया हिंदी आप समझेंगे उतना बढ़िया आपके आंसर्स होंगे। नो एक्शन इज बीइंग टेकन सो फार, आप ये कहना चाह रहे होंगे अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, नहीं की गई है। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे होंगे या पढ़े हुए याद होगा की गई है कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। तो नो एक्शन इज बीइंग टेकन सो फार, और सो फार भी बता रहा है, सो फार वही प्रयोग करते हैं जब कोई कार्य कंप्लीट हो चुका हो अब तक, ठीक है, अब तक जितना कार्य कंप्लीट हुआ हो वो सो फार होता है। आप सोच सकते हैं नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार, यानी नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार, यानी अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। ये टेंस से संबंधित सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको दिया गया, जो इजी है, आना चाहिए आपको इस लेवल पर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से देखें क्या होगा। आया समझ में कुछ? बिल्कुल आसान है ना। Hari left the house before Shyam got there. हर टीचर, किसी भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, जब आपने पास्ट परफेक्ट के डबल क्लॉजेस वाले वाक्य पढ़े होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि अगर बिफोर का प्रयोग करते हैं तो ट्रेडिशनली आपको उसके पहले वाले क्लास पास्ट परफेक्ट में और इसके बाद वाले क्लास पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर तो है Shyam got there पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये कौन से टेंस में, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहां कोई टाइम क्लास तो है नहीं आपका कि यहां पे आप यही रखेंगे, एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हुआ तो हरी लेफ्ट नहीं हुआ, समझ सकते हैं क्या हो जाएगा,
हरी हेड लेफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आपको आना चाहिए था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन अपीयरेंस, कोई एक शब्द, कोई एक जो सामने दिख रहा हो, एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफन सिम्युलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ व्हाट, एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कोई चीज जिसकी ऐसी सूरत ऐसी शक्ल दिखाई दे रही हो, ऑफन सिम्युलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, जैसे वहां पे पानी हो, यानी पानी है नहीं लेकिन उसकी शक्ल उसका प्रारूप आपको वहां पे दिखाई दे रहा है, क्या होता है वो, कोई इमेज है, वो कोई मिराज है, कोई रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है। इमेज प्रतिबिंब को कहते हैं, जो भी आप फोटोग्राफ खींचते हैं वो इमेज होती है। मिराज मृग मरीचिका को कहते हैं। रिफ्लेक्शन किसी परावर्तन को कहते हैं, जब एक मिरर वगैरह में आप देखते हैं जो इधर आ रहा होता है वो उसका रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन अपवर्तन को कहते हैं, बेंडिंग ऑफ द लाइट, जैसे आप किसी एक प्रकाश जो है या एनर्जी है वो एक स्रोत से दूसरे स्रोत में प्रवेश करे, उस समय उसे जो अपवर्तन करना होता है वो आपका रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफन सिम्युलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, समझ रहे होंगे इस लेवल पे तो आपने जरूर मेहनत किया होगा, और नहीं किए तो आगे समय है जरूर करिएगा। इसका आंसर होगा कौन सा आंसर होगा, मिराज होगा ना, मिराज में अंश मृग मरीज का, यानी ऐसा लगे जैसे आप सड़क पे जा रहे होते हैं, कुछ दूर पे आपको लगता है पानी वहां पे लेकिन है नहीं, ये आपके मन का वहम होता है, दिस इज मिराज मृग मरीचिका, इमेज रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं। अ नॉइजी एंड बम्बास्टिक स्पीच एड्रेस्ड टू अ लार्ज असेंबली, आपने वरुण गांधी को सुना होगा, आपने ओवैसी को सुना होगा, दोनों भाइयों को, मुख्तार अंसारी को सुना होगा, बहुत सारे, आपने साक्षी महाराज को सुना होगा, साध्वी प्रज्ञा को सुना होगा, इनको याद करके सोचें तो ये वाक्य का अर्थ समझ आ जाएगा। अनवाइजी एंड बम्बास्टिक स्पीच यानी उत्तेजना भड़काऊपन से भरा हुआ भाषण, एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, जो एक बड़े समूह बड़ी भीड़ को दिया गया हो, उस प्रकार के स्पीच उस प्रकार के भाषण को जो नॉइज़ी और बम्बास्टिक है क्या कहेंगे, उसे रेटोरिक कहेंगे, कैकोफनी कहेंगे, हेरन कहेंगे या ओरेशन कहेंगे, क्या कहेंगे? रेटोरिक, रेटोरिक मींस कोई ऐसा राइटिंग या कोई ऐसा रीडिंग जिसमें शब्दों का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया जाता, अलंकारिक तरीके से किया जाता, वो रेटोरिक होता है। कैकोफनी क्या होता है, मैंने पढ़ाया होगा, कहीं भी कैको लगा है मीन्स हार्श, बहुत गंदा कठोर, कोन में साउंड होता है मीन्स कर्कश ध्वनि होती है। हैरम क्या होता है, भड़काऊ भाषण यानी लोगों को उत्तेजित कर देने वाला, भड़का देने वाला भाषण जो होता है वो हैरम होता है। और ओरेशन क्या होता है, वक्त जब आप भाषण दे रहे होते हैं लेकिन नॉर्मली लोगों को कुछ बता रहे होते हैं, ओरेटरी कर रहे होते हैं, अर्थात संवाद स्थापित कर रहे होते हैं अपनी बोलने की कला के द्वारा, तो यह ओरेशन कहलाता है। तो आप समझ रहे होंगे अनवाइसी एंड बम्बास्टिक स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज फैमिली हैरम हो जाएगा, उत्तेजनापूर्ण भाषण रेटरिक नहीं होगा, कैकोफनी कर्कश आवाज नहीं होगा, ओरेशन नहीं होगा। सेंटेंस अरेंजमेंट पे आ गए हैं। A mule began to daydream, दिवस स्वप्न देखना, that he was a good runner as his mother was a race horse. चूंकि उसकी माँ एक रेस हॉर्स थी, इसलिए वो जो म्यूल था, खच्चर जिसको आप कहते हैं, वो जो म्यूल था, उसने डे ड्रीम करना शुरू कर दिया कि वह भी एक अच्छा रनर है, क्योंकि उसकी माँ एक अच्छी रनर थी। सोचे जल्दी से बताया। चलिए देख लिया आपने, आपने अगर देखा होगा तो द मास्टर सैट ऑन द म्यूल, अभी द मास्टर है, इट मीन्स अभी इसका पहले उल्लेख हुआ होगा तो यहां पे है नहीं,
whipped him hard because he was in a hurry to reach the market. अभी नहीं कहीं है. He started running across the field. किसने फील्ड के अक्रॉस दौड़ना शुरू कर दिया? उसी म्यूल ने ना. Forced to run faster. ये तो बाद में आएगा. When his master, यानी ये क्लियर है कि his master जो यहां देख बता रहे हैं कि the master वाला पोर्शन पहले नहीं आया. क्या सही है? He started running across the field. सही है? उसने इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया. अब अगर हमें पता है कि क्यों पहले आएगा तो समय बचाएं अपना एग्जाम में. जल्दी से देखें कितने पोर्शन है जो क्यू से शुरू हो रहे हैं. क्यू से यानी केवल क्यू से एक. अब अगर आपको एग्जाम में शक हो कि आप जल्दीबाजी में गलत तो नहीं कर रहे तो क्यू के बाद एस लगा के देख लें आप. ठीक है. A mule began to daydream that he was a good runner as his mother was a race horse. He started running across the field. तो उसे घमंड था कि वो भी अच्छा रनर है. तो he started running across the field. फिर क्या है? S. When his master saw him running fast. देखा? उसने दौड़ना शुरू कर दिया. उसने दौड़ना शुरू कर दिया. तो when his master saw him running fast, जब उसके मालिक ने देखा कि वो बहुत तेज दौड़ रहा है तो he thought that his mule was a good runner. सही है? Q के बाद S आएगा यानी A ऑप्शन हो जाएगा. ये भी कर लेंगे आप. अच्छे से पढ़ें. थॉमस अल्वा एडिशन वॉज बॉर्न ऑन 11 February 1847. 1847 में उसका जन्म हुआ और 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ. ठीक 100 years पहुंच. इन 1869 ये भी याद होगा आपको हमारे देश के सबसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था. 1869 में जन्म हुआ. तो इन 1869 ही बारोड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. अब सीधे 1869 कैसे आ जाएगा? उसने उधार पैसे लिए एंड बीकेम अ फ्रीलांस इन्वेंटर नहीं आएगा. ही सून बीकेम फैसिनेटेड विद इलेक्ट्रिकल करेंट्स. इलेक्ट्रिकल करेंट से जल्दी ही उसका लगाव हो गया, उसका आकर्षण बढ़ गया. ही वॉज ऑलवेज एन इंक्विजिटिव बॉय. ही वॉज ऑलवेज एन इंक्विजिटिव बॉय. इंक्विजिटिव मीन्स क्यूरियस. अक्विजिटिव मीन्स कीन ईगर. एलोक्विडस मीन्स उत्सुक. थॉमस अल्वा एडिशन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ और ही वॉज ऑलवेज एन इंक्विजिटिव बॉय. वह हमेशा एक उत्सुक जिज्ञासु लड़का था. आप जितने भी पोर्शंस बाकी पढ़ेंगे तो उनमें हर हाल में आर पहले आएगा. फिर वह एक ट्रिक आर देखें. चारों में पी से है, क्यू से है, आर से है, पी से. केवल आर से एक है. सी ऑप्शन आप. ठीक है. अब अगर कंफ्यूजन है तो आर के बाद क्यों लें? तो थॉमस अल्वा एडिशन वॉज बॉर्न ऑन 11 February 1847. अब हमें आर लेना है. He was always an inquisitive boy. वो हमेशा an inquisitive boy रहा था. और he soon, यानी ना आर के बाद क्यों? He soon became fascinated with electrical currents. तो सही यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा. इजी है, आना चाहिए आपको. लेकिन मैं चाहूंगा देख लें आप, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आपके मन में रहेगा कि कौन सा सही होगा. प्लस ट्रो फो प्लस ट्रोफोबिक प्लास्ट्रोफोबिया और प्लास्ट्रोफोबियल कौन सा सही? एक ही वर्ड कोई स्पेलिंग में सही है. सी एल ए यू होता है, नहीं होगा. सी एल ए यू होता है, नहीं होगा. इन्हीं दो में से होगा. सी एल ए यू एस सी एल ए यू टी आर ओ पी एच टी आर ओ पी एच ओ बी आई सी ओ बी आई एल. याद करें फोबिक होता है, फोबियल नहीं होता है. तो प्लास्ट्रोफोबिक हो जाएगा. याद करें जो नैरो प्लेसेस से और डार्क प्लेसेस से कहीं कहीं डरता है, फियर होता है उसके मन में, वो व्यक्ति क्या होता है? क्लेस्ट्रोफोबिक होता है. मैं इस तंग स्थानों से, अंधेरे स्थानों से डरने वाला. तो बी ऑप्शन हो जाए. वॉयस पे आ गए. 19वां प्रश्न बहुत आसान. मैंने कई बार कहा वॉयस नरेशन आपके लिए फ्री के नंबर्स. द स्पीडिंग कार नॉक्ड डाउन. जैसे आपने देखा नॉक्ड डाउन, दिमाग में तुरंत आ गया कि यह पास्ट इंडेफिनिट है. अगर यह पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके हेल्पिंग वर्ब हर हाल में वास वर्ब होनी चाहिए. तो यहीं से शुरू कर देते हैं. द कार
विच वॉच स्पीडिंग हैज नॉक्ड डाउन, नहीं होगा. द पेडेस्ट्रियन वॉज नॉक्ड डाउन बाई द स्पीडिंग कार, हो सकता है. द पेडेस्ट्रियन वॉज बीइंग नॉक्ड, बीइंग आएगा ही नहीं, जब कंटिन्यूअस होगा तब ना बीइंग आएगा. मैटर फिनिश. नॉकिंग डाउन ऑफ द पेडेस्ट्रियन हैज बीइंग, आप समझ रहेंगे, पहला नहीं होगा हैज है, तीसरा नहीं होगा वॉज बीइंग है, और चौथा नहीं होगा हैज बीइंग है. हो गया आंसर आपका. The pedestrian was knocked down by the door. वैसे भी ऑब्जेक्ट देखें, the pedestrian है, तो यहाँ भी the pedestrian आपका बी ऑप्शन हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत. He said to his partner. Narration का क्वेश्चन है. I will not be responsible. जैसे आपने I will not be देखा, तुरंत आप में तार चल गए तुरंत प्रकाश के कि यहाँ पे would का प्रयोग करना है. तो he has told, कहाँ he has told है? Leave out करें. He told his partner, सही है. He told his partner that he would, सही है. He would not be responsible if the project failed. यहाँ में देखिए fails है, failed है, सही है. He tells, कैसे tells हो जाएगा? Said to है तो tells कैसे हो जाएगा? He told his partner that I will. हो गया आंसर आपने रिश्ता का कि he told his partner that he would not be responsible if the project failed. आप अलग अलग चीजों को देखेंगे तो आपको B ऑप्शन मिलेगा. अगर आपने नरेशन पढ़ा हुआ है तो निश्चित ही आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने, और अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये दिक्कतें कर रहा है आपके लिए, तो आप विश्वास करिए आपको अभी मेहनत करने की आवश्यकता है, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें. क्लोज टेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, और मैंने कई बार कहा, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इन्फॉर्म्ड दैट क्लोज टेस्ट इज बीइंग गिवन रेगुलरली, कि कई बार आपको रेगुलरली आपको क्लोज टेस्ट आपके सीजन में दिया जा रहा है, तो आप ही मेहनत कर ले और ये अच्छा पैसा मिलेगा आपको, ठीक है. अगर आप अपने को आजमाना चाहते हैं वर्ड पावर में, स्ट्रक्चर में, तो ये क्लोज टेस्ट पैसेस आपके लिए चैलेंजिंग जरूर होगा. चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं. आवर रेप्यूटेशन, हमारी प्रतिष्ठा, एंड इमेज, और हमारी जो छवि, हमारी प्रतिष्ठा और हमारी छवि इज मोस्ट डेफिनेटली डिटरमिन्ड. अब यहां रेप्यूटेशन और इमेज को एक ही उन्होंने मान लिया, इसलिए इस दिया, क्योंकि अलग अलग होते तो अब रेप्यूटेशन एंड इमेज आर भी हो सकता था. तो आवर रेप्यूटेशन एंड इमेज इज मोस्ट डेफिनेटली डिटरमिन्ड, यानी सबसे अधिक ये डिटरमिन्ड किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, यानी हमारी प्रतिष्ठा और हमारी छवि जो है वो बहुत अधिक निर्धारित होती है किसके द्वारा? बाय आवर, बाई आवर डेड्स हमारे कार्यों के द्वारा, बाई आवर नीड्स हमारी आवश्यकताओं के द्वारा, बाई आवर क्रीड हमारे मत हमारे विश्वास के द्वारा, बाई आवर ब्रीड हमारी नस्ल के द्वारा, जो हमारी ब्रीड है पैदाइश है उसके द्वारा. तो आपकी रेप्यूटेशन और आपकी इमेज क्या आपकी नस्ल से बनती है? कतई नहीं. आप समझ सकते इतने बड़े तो हैं यार. आपकी रेप्यूटेशन और आपकी इमेज क्या आपकी क्रीड से, आपके विश्वास, आपके मत से बनता है? कतई नहीं. आपकी रेप्यूटेशन और आपकी इमेज क्या आपकी नीड्स, आपकी आवश्यकताओं से बनेगा? कतई नहीं. तो आंसर क्लियर है आपका कि आवर रेप्यूटेशन एंड इमेज इज मोस्ट डेफिनेटली डिटरमिन्ड बाय आवर डीड्स. डीड्स मीन्स कार्य, यानी आपके कार्यों के द्वारा आपकी रेप्यूटेशन और आपकी इमेज बनती है. याद रखेगा आपके कार्यों के, आपकी जाति, आपके धर्म, आपके विश्वास, आपके मजहब, आपके क्षेत्र, आपकी भाषा, आपकी नस्ल से आपकी रेप्यूटेशन इमेज नहीं बनती, वो आपके कार्य से. अच्छे कार्य हमेशा इंसान को ऊंचा ले जाते. आल्सो, आल्सो यहां पे एडवर्ब के लिए, आल्सो मीन्स इसके अलावा, ये बिसाइड्स के सेंस में है. आल्सो आवर है, आवर हमारा क्या, आवर एक्टिंग्स, यानी हमारे जो एक्टिंग है, हमारे कार्य जो है, जो हम एक्ट करते हैं. आवर एक्टिंग्स टेंड टू बी हैबिट फॉर्मिंग, ये टेंड समझते हो, याद होगा टेंड में प्रवृत्त होना, किसी एक तरफ ले जाना. तो हमारी एक्टिंग्स जो है हमारी हैबिट फॉर्मिंग की तरफ हमको लेके जाती है. हमारे अवोकेशंस, अवोकेशंस आपका प्रोफेशन, आपका व्यवसाय, आपका व्यवसाय आपकी आपको आपकी हैबिट फॉर्मिंग की तरफ लेके जाता है. आपके सेक्शंस यानी आपका वर्ग, आपका संप्रदाय आपको आपकी हैबिट फॉर्मिंग तरफ ले जाता है, या आपको आपका प्री डिस्पोजिशन मीन्स आपका स्वभाव, किसी चीज के प्रति आपका जो एटीट्यूड है,
आपका एटीट्यूड जो होता है वो आपका प्री डिस्पोजिशन या डिस्पोजिशन स्वभाव होता है। तो आल्सो आवर क्या होगा, आपकी एक्टिंग्स या आपके व्यवसाय या आपके सेक्शंस या फिर आपका जो स्वभाव है टेंड टू बी हैबिट फॉर्मिंग, वो आपकी आदत का निर्माण करता है। बिल्कुल आप हिंदी समझ जाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में मैं हिंदी समझाने के लिए नहीं रहूंगा। आपको इतना ही करना होगा कि अगर आप इस तरीके के एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं तो आपको हर हाल में इन सब चीजों पर कमांड करना होगा। मैं जितने भी बच्चों को पढ़ाता हूं सबसे कहता हूं हिंदी जरूर सीखिए। जो मेरे छोटे छोटे बच्चों के बैचेस होते हैं उनसे मैं कहता हूं कि आपके लिए अवसर है धीरे धीरे इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश बेहतर बनाए आप। तो आपके लिए भी अवसर है सीखने का कि कहां पे कमजोरियां हैं, कहां पे हमको अपनी एचिलीज हील को दूर करना है, मीन्स कमजोर कड़ी को दूर करना है। चलिए देखते हैं। आल्सो आवर प्रीडिस्पोजिशन हो जाए स्वभाव, आल्सो आवर प्रीडिस्पोजिशन टेंड टू बी हैबिट फॉर्मिंग इन दैट जिसमें वी हैव अ हमारे पास होता है वी हैव अ इमेंसिटी, कॉमन सेंस लीजिए, इमेंसिटी कभी नहीं आ सकता है क्योंकि यहां ए लिखा हुआ है, खत्म करिए। वी हैव अ प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मीन्स झुकाव, किसी चीज की तरफ आपका जो झुकाव होता है आपकी टेंडेंसी होती है वो आपकी प्रोपेंसिटी होती है, आपका इंक्लिनेशन, आपका लगाव, आपका झुकाव। तो जिसमें वी हैव अ इमेंसिटी कभी नहीं होगा, वी हैव अ प्रोपेंसिटी हो सकता है, वी हैव अ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कस से बना मीन्स कोई स्टिकनेस शो करने वाली चीज, कोई चिपचिपी चीज, जो चिपचिपापन ले हुए हो वो विस्कोसिटी होती है। तो यहां तो मुझे लगता है वी हैव अ विस्कोसिटी टू एक्ट इन पर्टिकुलर मैनर, आप समझ सकते हैं पर्टिकुलर मैनर में कार्य करने की आपकी क्या होती है, जो टेंडेंसी होती है अर्थात प्रवृत्ति, आपकी सोच, आपका झुकाव होता है, और झुकाव किससे मीन्स होगा, प्रोपेंसिटी में। तो यहां वी हैव अ प्रोपेंसिटी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, यानी हमारे अंदर एक झुकाव होता है हम एक विशेष तरीके से क्या करें, कार्य। फिर से देख लें, आवर रेप्यूटेशन एंड इमेज इज मोस्ट डेफिनेटली डिटरमाइंड, यानी हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो छवि है, इज मोस्ट डेफिनेटली डिटरमाइंड, निश्चित रूप से वो निर्धारित होती है बाय आवर डीड्स, किसके द्वारा, हमारी कार्यों के द्वारा। आल्सो इसके अलावा आवर, आवर क्या, आवर प्री डिस्पोजिशन, हमारा स्वभाव जो है, हमारे जो स्वभाव है टेंड टू बी हैबिट फॉर्मिंग, वही हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। इन दैट जिसमें वी हैव अ प्रोपेंसिटी, हमारे अंदर एक झुकाव होता है टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक विशेष तरीके से क्या करने का कार्य। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, इमेंसिटी मीन्स किसी चीज की विशालता, बहुत अधिक जो चीज होती वो इमेंस होती है। प्रोपेंसिटी आपका इंक्लिनेशन, आपका झुकाव, जो चीज आप करना चाह रहे हैं। विस्कोसिटी आपके अंदर का स्टिकनेस अर्थात चिपचिपापन। और वर्चुअली समझते होंगे, वर्चु मीन्स गुणवान तरीके से, अच्छे तरीके से। तो यहाँ ए के बाद वैसे भी जानते होंगे वर्चुअली नहीं आएगा क्योंकि वर्चुअस प्लस एल वाई है, तो आपको हर हाल में ए के बाद ऑर्टिकल के बाद नाउन ही चाहिए, तो वर्चुअली कभी नहीं आ सकता। लास्ट है हेंस, हेंस समझते होंगे इसलिए, इसलिए मोस्ट पीपल आर, इसलिए अधिकतर लोग होते हैं बाई देयर डीड्स, अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा। अपने कर्तव्यों के द्वारा लोग क्या होते हैं, अपने कर्तव्यों के द्वारा लोग बॉर्न होते हैं, कतई नहीं, बॉर्न तो कर्तव्यों द्वारा नहीं। मोस्ट पीपल आर अलाइव बाय देयर डीड्स, क्या कार्यों के द्वारा जिंदा रहते हैं, नहीं सर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी जब तक जिंदा रहना आप जिंदा रहेंगे, आप कॉमन सेंस के बात। तो हेंस मोस्ट पीपल आर शेप्ड बाय देयर डीड्स, सोच के देखें, और किल्ड अपने कार्यों के द्वारा मारे तो नहीं जाते होंगे आप, ठीक है, इसलिए कार्य तो करेंगे नहीं अगर मारे जाएंगे तो आप, इसलिए स्पष्ट है हेंस मोस्ट पीपल आर शेप्ड हो जाएगा, मोस्ट पीपल आर शेप्ड बाय देयर डीड्स। आप देख रहे होंगे सब करते समय हमारा आपका कॉमन सेंस भी काम आएगा, क्लोज टेस्ट में करें हम उसे बेहतर तरीके से हिंदी में समझें, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को उसमें जोड़ें तो आपको समझ में आएगा वो क्या करें। ज्यादातर जो क्लोज टेस्ट पैसेज होते हैं वो एडिटोरियल्स से आपको दिए जाते हैं,
और एडिटोरियल्स आप समझते होंगे वो हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं, इस तरह चीजें होती हैं, उन्हीं से संबंधित हमारा जो नेचर है, जो इर्द गिर्द हमारे हो रहा है, उन्हीं से संबंधित दिए जाते हैं, उन्हीं का एक पार्ट होता है। तो ज्यादा से ज्यादा एडिटोरियल्स पढ़ेंगे तो आपको और फायदा होगा। चलिए फिर से देखते हैं। मोस्ट पीपल आर शेप्ड बाय देयर डेट्स एंड सीम टू हैव लिटिल कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस। यानी जहां पर लोग अपने कार्यों के द्वारा शेप्ड होते हैं एंड सीम, और ऐसा लगता है टू हैव लिटिल कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस, कि उन्हें अपने कार्यों पे बहुत नियंत्रण नहीं होता। वी यूजुअली एक्ट, यूजुअली सामान्यतः हम कार्य करते हैं अकॉर्डिंग टू आर इन रिस्पॉन्स टू आवर सराउंडिंग्स। हमने कहा आपके जो इर्द गिर्द चीजें हैं उन्हीं के इन रिस्पॉन्स टू, अर्थात उन्हीं के इन कंपैरिजन या उन्हीं के अनुसार हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आवर सर्कमस्टेंसेस मींस हमारी जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार हम कार्य करते हैं, एंड एनवायरमेंट और हमारा जो माहौल है, पर्यावरण है, उसके अनुसार काम करते हैं। विच जो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जो एक बहुत हद तक, यानी ये चीजें बहुत हद तक क्या होती हैं, बहुत हद तक क्वेश्चंस आवर प्रायोरिटीज एंड एक्टिविटीज, क्लैरिफाई आवर प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, पेट्रीफाई आवर प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, या मॉडिफाइज आवर प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। विच किसके लिए है, द एनवायरमेंट के लिए। विच जो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक हद तक, एक सीमा तक हमारी प्रायोरिटीज और ऑब्जेक्टिव्स को, ये जो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, और विशेष रूप से जो हमारा एनवायरमेंट होता है, वो हमारी प्रायोरिटीज और ऑब्जेक्टिव्स को क्या करता है, वो क्वेश्चंस करता है, उनसे प्रश्न करता है, कतई नहीं, वो उन्हें क्लैरिफाई करता है, उनको स्पष्टीकरण देता है, शायद नहीं होगा, वो उन्हें पेट्रीफाई करता है, मीन्स उन्हें हार्डन कर देता है, कठोर बना देता है, कोई मतलब नहीं है। वो हमारी प्रायोरिटीज और ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं, परिवर्तित, संशोधित करते रहते हैं, बेहतर बनाते रहते हैं। क्या हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, हमारे जो एनवायरमेंट है, ये चीजें हमारी प्रायोरिटीज और हमारे ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटीज मीन्स प्राथमिकताएं और ऑब्जेक्टिव्स मीन्स उद्देश्य, ये हमारी प्राथमिकताओं और हमारे लक्ष्यों, हमारे उद्देश्यों को मॉडिफाई करते रहते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद। लास्ट में देख लें, हेंस मोस्ट पीपल आर शेप्ड, हो जाएगा शेप्ड बाय देयर डेट्स। बहुत सारे लोग अपने कार्यों के द्वारा शेप्ड होते हैं, निर्धारित होते हैं, उनको लोग जानते हैं, एंड सीम टू हैव लिटिल कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस। और ये अजीब है लेकिन, और उन्हें अपने कार्यों पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं होता। वी यूजुअली एक्ट, अभी प्रश्न क्यों नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि वी यूजुअली एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर, इन रिस्पॉन्स टू आवर सराउंडिंग्स। देखिए प्रीपोजिशन कितना बढ़िया यूज, अकॉर्डिंग टू आवर सराउंडिंग्स या इन रिस्पॉन्स टू आवर सराउंडिंग्स, दोनों जगह इसमें एक्ट होता है। हम अपने सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द के अनुसार कार्य करते हैं। आवर सर्कमस्टांसेस, हमारी परिस्थितियां, एंड द एनवायरमेंट, और हमारा वो जो माहौल है, विच जो एक बड़ी हद तक, बड़ी सीमा तक, वो माहौल जो है वही मॉडिफाई करता है हमारी प्रायोरिटीज और हमारे ऑब्जेक्टिव्स। मैं जानता हूं क्लोज टेस्ट में बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते, फिर मैं कहूंगा ये तो आपको कहीं कहीं आपने आपको आजमाने का तरीका है। क्लोज टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मेंस में, तो और भी आपको 25 से 30 नंबर का आपको फेस करना होगा, तो कहां बच के जाएंगे आप, तो आप अधिक से अधिक कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि आप इसे ऐसे कर लेंगे तो आप नहीं कर सकते, आपके पास सबसे अधिक क्या होना चाहिए, जो लिखा है उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप उसे समझे वो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर उन चार शब्दों को देखें, उन चारों में बेस्ट ऑप्शन जो आपको लगता कि ये यहां पे इस लाइन या इस पैसेज के अनुसार सेट होता है, वो वर्ड वहां चूज करें। इसमें वर्ड के सिलेक्शन में केवल आपके वर्ड के अंतर नहीं काम आए, उस समय उस वर्ड पर आपकी सोच काम आए कि ये वर्ड यहां पे फिट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये समझेंगे,
शब्दों के बीच में अंतर करना सीखेंगे, पैसेज के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे आप, एक बार अच्छे से पढ़ लें, पूरा देख लें एक बार, फिर आप तुरंत वहां आंसर ना डाल दें, ठीक है, आप देख लें एक बार, फिर उसके अनुसार आप तय करें कि हाँ ये पैसेज पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है या नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहा है, तो उससे आप कहीं कहीं एक आध दो क्वेश्चंस उसके ऊपर भी आप आराम से आप कर सकते हैं। आपके एग्जाम चल रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं, मेरी वेल विशिंग्स हैं सभी बच्चों के साथ हैं जो बच्चे अभी आगे देने वाले हैं, और हर हाल में आप सफल हो, ईश्वर करे आप सफल हो जाए और इन चीजों पर आप अभी सभी मेहनत करते रहें। मैंने कहा हुआ है मंडे से मेरी क्लास 9 से 10 हो जाएगी, ठीक है, 9 से 10 मंडे से। कल कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूंगा या फिर यही प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आऊंगा, 8वां प्रैक्टिस सेट, या फिर कुछ आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी चीज जो आपके एग्जाम्स में सीजन में अभी आपके काम है वो कुछ सोच के मैं बेहतर लेकर के आ सकता हूं, अगर वो नहीं हो पाया तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो कल रात 8 बजे तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू।